दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग उम्र, आयु या एज कैसे निकाला जाता है, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम उम्र कैसे निकाला जाता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी पेड़ का, किसी भी चीज़ का, कोई भी पहाड़ हो, अगर हमें उसका जन्म तिथि या उसकी स्थापना दिवस मालूम रहेगा तो हम उस वस्तु का बहुत ही सरल ढंग से उसका हम आयु निकाल सकते हैं। तो आयु कैसे निकाला जाता है, उम्र कैसे निकाला जाता है, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किसी भी चीज़ का उम्र कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए हम एक वृक्ष दिख रहा है, इस वृक्ष का हम चल रहे हैं, चिका देख रहे हैं, जन्मदिन दिया गया है, यह वृक्ष है और इस वृक्ष का जन्मदिन दिया गया है कि यह इसका वृक्षारोपण 1/8/1895 ईस्वी में हुआ था। तो बताना है कि सितंबर 2016 को इस वृक्ष की उम्र कितनी रही। तो आपको बहुत ही सरल ढंग से इस वृक्ष के, अगर आपको वृक्ष के जन्म तिथि या जब वृक्ष को लगाया गया है या आपको मालूम है, तो आप बहुत ही सरल ढंग से इसकी आयु को निकाल सकते हैं। तो वृक्ष की आयु आप कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि वृक्षारोपण 1/8/1895 ईस्वी में हुआ है, और हमको ये बताना है कि 8/9/2016 को इस वृक्ष की आयु क्या रही होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि वृक्ष की जन्मतिथि 1/8/1895 है, तो आप, और आपको निकालना है कि 8/9/2016 को वृक्ष की आयु कितनी रही होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि 8/9/2016, इसके बाद आपको लिखना है कि वृक्ष को कब लगाया गया था, तो आप लिख देंगे कि वृक्ष को 1/8/1895 ईस्वी में लगाया गया था। अब आपको निकालना है कि हम इसका, यह कितने दिन का हुआ और कितने वर्ष का हुआ और कितने महीने का हुआ। तो इसको आप बहुत ही सरल ढंग से अब इस वृक्ष को आप बता सकते हैं कि वृक्ष कितने दिन का है। तो देखिए, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको निकालना है, यहाँ देख रहे हैं ये दिन है और ये महीना है और ये सन है, शताब्दी। तो सबसे पहले आप दिन को कैलकुलेट करेंगे, तो दिन की गणना इस तरह करेंगे, देखिए ऊपर 8 है और नीचे 1 है, तो आप इसको घटा करके लिख देंगे, तो ये घट गया आसानी से, तो 8 में से 1 घट गया, गया 7। और यहाँ देखिए, यहाँ पर 9 है और ये भी इस तरह से आसानी से घट गया, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ भी देखिए आसानी से घट जाएगा, तो 6 में से 5 को हटा देंगे 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 11 है, 1 उधार लिए 11 हो गया, 11 से 9 गया 2 आ गया, अब यहाँ पर 9 बचा, इस तरह से आ गया कितना, ये आ गया 7 दिन 1 महीना और 121 वर्ष हो गया। तो इस तरह से आप बता देंगे कि इस वृक्ष की आयु या वृक्ष की उम्र या वृक्ष की एज कितनी हो गई। तो देख रहे हैं हो गया 121 वर्ष और 1 महीना तथा 7 दिन। इस तरह से आपने बड़े सरल ढंग से वृक्ष का उम्र आप निकालिए। इसी तरह आपको किसी भी चीज़ का उम्र निकालना हो तो आप बड़े ही सरल ढंग से उम्र को निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि कोई मकान है, उस मकान पर लिखा गया है कि उस मकान को बनाया गया था 2 फरवरी 1999 को, तो आपको बताना है, मकान पर देख रहे हैं लिखा गया है कि 2 फरवरी 1999, अर्थात इस मकान का निर्माण 2 फरवरी 1999 को हुआ है,
तो इसकी स्थापना क्या हो गई, इसकी स्थापना हो गया कि अगर 2/2/1999। और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि यह 1/1/2022 को इसकी कितने दिन का होगा या कितने दिन का हो गया होगा, तो आपको इस घर की उम्र निकाल करके बताना है कि आप घर की उम्र कितना होगा। तो आप बड़े सरल ढंग से घर का उम्र निकाल सकते हैं। तो घर की उम्र कैसे निकालेंगे, स्थापना दिवस को जिस तारीख को निकालना होता है उस तारीख में से घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे देखिए हमें निकालना है कि 1/1/2022 को, 1/1/2022 को निकालना है और स्थापना कब हुई थी, तो 2/1/1999 को आप इस तरह से इसको लिख लेंगे। इसके बाद आप सरल कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेना है, यहाँ दिन को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो दिन को कैलकुलेट करने के लिए देखिए कितना लिखा गया है, देख रहे हैं, लिखा गया है 1/1/2022 और 2/2/1999। अब इसको आपको सरल करना है। तो आप इसको सरल कैसे करेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पर एक लिखा गया है और नीचे दो है, तो एक में से दो नहीं घटेगा। तब आपको एक से यहाँ से महीने से उधार लेना होगा। तो महीने से जब उधार लेंगे तो देखिए चूँकि महीने का स्टैंडर्ड मान 30 दिन माना गया है, तो यहाँ से इसको 30 दिन का उधार मिलेगा। तो 30 दिन ये हो गया, 30 दिन और एक 31 हो गया। अब 31 में से दो को आप माइनस कर देंगे, देखिए 31 में दो को माइनस कर देंगे आ जाएगा 29। अब देखिए यहाँ पर महीना कुछ नहीं बचा, शेष महीना कुछ नहीं रहा। तो चूँकि अब से नीचे दो महीना है, तो दो महीना इसमें से घटाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0-0 बचा है, तो यह क्या करेगा, वर्ष से उधार लेगा। अब वर्ष या इसको जब उधार देगा तो यहाँ से चूँकि एक वर्ष में 12 महीने होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको यह 12 महीने हो जाएगा। 12 में से 2 को घटा देंगे तो देखिए हो गया 10। अब इसके पास ये था 2022, लेकिन इसका एक वर्ष कम हो गया तो हो गया 2021। अब 2021 में से इसको घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 गए 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 हो गया, इससे उधार ले लगा तो हो जाएगा 11 और 11 में से 9 गए यहाँ पर 2 हो गया, इस तरह से आ गया 22। देखिए दिन आ गया 29, महीने आ गया 10 और वर्ष आ गया 22। इस तरह से आप बता सकते हैं कि उस मकान की आयु क्या है, तो मकान की आयु बता सकते हैं कि 22 वर्ष 10 महीना और 29 दिन है। इसी तरह से अगर आपको अपना जन्मदिन याद है और आपको यह ज्ञात करना है कि हम कितने वर्ष के हैं, तो आप उसको भी बहुत सरल ढंग से निकाल सकते हैं। तो जैसे मान ले कि कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जिसका जन्मदिन 27/12/2009 है, देख रहे हैं इसकी उम्र दिया गया है कि 27/12/2009 और 18/9/2022 को उस व्यक्ति की या उस बच्चे की उम्र बताना है, तो आप कैसे बताएंगे। तो सब बहुत ही सरल ढंग से आप उसको कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि वह बच्चा 18/9/2022 को कितने वर्ष का रहा होगा, तो आप पहले लिखेंगे 18/9/2022। आप यहाँ लिख देंगे कि 18/9/2022। 18/9/2022 लिखने के बाद अब आपको लिखना है उस बच्चे का जन्मदिन। तो मान लीजिए बच्चे का जन्मदिन दिया है कि 27/12/2009। अब 27/12/2009 इसमें सबको माइनस करना है। यहाँ पर देख रहे हैं 18 है, नीचे 27 है, तो 18 में से 27 नहीं घट रहा है, तो आप यहाँ से एक महीने उधार लेंगे। तो जब एक महीने यहाँ से उधार लेंगे तो हो जाएगा 18 और 30 48 हो जाएगा।
अब 48 में से 27 को माइनस करेंगे तो 27 माइनस करेंगे आ जाएगा 21। इस तरह से इनका उम्र आ गया 21 दिन। और फिर देखिए आप, यहाँ 9 था, अब 8 बचा, 8 में से 12 नहीं कट रहा है, तो आपको इसको घटाने के लिए यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ से उधार लेंगे तो एक साल उधार देगा, तो एक साल में 12 महीने होता है, तो हो गया कितना, यह जाएगा 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 में से 12 घटाएंगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 2021 हो गया, चूँकि एक साल उधार दे दिया तो 2021, तो यहाँ हो गया 11, 11 से 9 गए 2, यह एक उधार दिए, यहाँ पर एक बचा। इस तरह से इस बच्चे की उम्र 12 वर्ष और 8 महीना और 21 दिन इसका उम्र हो गया। तो इस तरह से आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।